हेलो दोस्तों, आज हमारे चना में चैप्टर चैप्टर वन और क्लास नाइन का सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 मीटर, 5 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दो फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला आपको बाद में बताएंगे, पहले समझिए। त्रिभुज तो आप लोग सभी लोग बनाते जानते होंगे, त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये ए बी सी, ये एस ए मीटर भुजा है, ये ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी। यहाँ भुजा किसके किसको बोलते हैं, यहाँ यहाँ तक ए और सी तक में जो लंबाई है उसी को हम भुजा कहते हैं। फिर बी से ए से बी तक में जो लंबाई है उसी को भुजा कहते हैं। जो सी से बी तक की लंबाई है उसी को हम भुजा कहते हैं। अब देखिए, भुजा इतना तक आप समझ गए होंगे, इसे हम भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा। अब यहाँ पे देखिए, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर दिया है, 3 मीटर दे देंगे। पहले अभी यहाँ यहीं तक रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ए बी, ए बी या ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए, त्रिभुज का एक फार्मूला, क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है? हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस, ए एस, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे S क्या है, आप लोग यहाँ पे S, ये तो समझ गए, A क्या है, ये भुजा है, B ये भुजा है, C ये भुजा है, त्रिभुज के तीनों भुजा हो गया, ठीक है। ये A समझ गए, A B C समझ गए। इसमें S क्या है, S नहीं समझोगे, S क्या है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, S S बराबर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग का आधा होना है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग का आधा होना है, उसी को अर्ध परिमाप। कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा दो, एस बराबर। हमें ये एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये। अब देखिए, पहले ये फार्मूला लगाएंगे, एस का मान निकाल लेंगे, उसके बाद फिर एस के जगह पर जितना जितना फिर एस के जगह पर उतना बैठा देंगे, ए के जगह पर उतना बैठा देंगे, आंसर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या हो गया, एस बराबर। अब देखिए, अब यहाँ पे ए मिटा देते हैं, यहाँ पे देखिए ए मिटा दिए, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इतना हो गया। अब यहाँ 3, एस बराबर कितना है, तीनों ए प्लस बी प्लस तीनों जोड़ देंगे, 3 प्लस 4, अर्ध, पहले लिख देती है अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप की लिखना जरूरी है, आप डायरेक्ट लिख देते हैं, एस बराबर ए 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा में 2, एस बराबर। आप जोड़ दीजिए, 4 4 5 9 9 और 3 9 9 और 3 12, 12 बटा 2 काट देंगे, एस बराबर कितना हो जाएगा, 6। एस का मान 6 हो गया, एस का मान 6 हो गया। अब हीरोन का सूत्र से याद लिख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र लगा दीजिए, इसीलिए यहाँ पे एस, एस का मान कितना है, एस का मान निकाले 6, यहाँ पे 6 डाल दीजिए, फिर 6 माइनस, क्योंकि फिर एस है, एस दिए 6, एक एक की जगह ए, एक की जगह पास कितना है, एक की जगह पास 3 डालेंगे, बी फिर 6, बी के जगह पर 4 डाल दीजिए, सी के जगह पास, सी के जगह पास 5 डाल देंगे। अब जोड़ दीजिए, पहले कितना हो जाएगा, रूट अंडर 6, 6 में से 3 गया 3 गुना, फिर 6 में से 6 में से 6 में से 4 गया 2 गुना, फिर 6 में से 5 गया 1। अब गुना कर 18 दूनी 36, 36 गुना 1 करेंगे 36 ही होगा, रूट में 36। अब ये जानते होंगे
रूट में रहता है, मतलब वर्गमूल निकालना है। 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 36 का आप लोग वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए, वो भी आप लोगों को सिखा देंगे। 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6, 6 गुना 6 करेंगे 36 आ जाएगा। इसे निकालने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए, 36 लिख देंगे, दोनों कटना है 6 बार में, 6 6 लिख देंगे, एक बार में 6 छा के 36 कट गया, यहाँ पे 6 दुनी 12 इसका हो गया। ये वर्गमूल इस तरह निकालते हैं, इसका वर्गमूल हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, इसीलिए 6 मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिख दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बन गया दोस्तों। इसी तरह किताब में इसी तरह 1 से लेके 10 तक हिसाब सेम हिसाब है, आप लोग खुद से प्रयास कीजिए 1 से 10 तक। अभी हम एक और बता देते हैं 2 नंबर का, उसके बाद आप लोगों को खुद से प्रयास करना है टाइप 1। चलो देखते हैं 2 नंबर का, आप यहां तक नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1 का, सेम हिसाब था यहाँ पे जो था, अभी का यहाँ पे संख्या सिर्फ बदल चुका है। ये आप लोग खुद से प्रयास करते हैं, लेकिन 1-2 को बना देंगे, उसके बाद 8 तक आप लोग को खुद से बनाना है। अगर नहीं बने तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वो हिसाब आप लोगों को बना देंगे। चलो समझिए, ये कितना आ जाएगा, 6, 8 और ये 10। अब पहले क्या लगाएंगे, S बराबर फॉर्मूला क्या है, S बराबर तीनों को जोड़ देंगे, 6, 8 और 10 भागा 2 से लगा देंगे। अब S बराबर कितना हो जाएगा, 8, 18, 18, 18 और 6, 24, 18, 8, 8, 6 और 8, 14, 14, 10, 24 भागा 2, S बराबर 12, इसलिए S बराबर 12 निकल गया, S बराबर 12 निकल गया। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रूट अंडर क्या क्या लगाएंगे, S, S का मान कितना निकला है, 12, फिर 12 घटा कितना है 6 घटाएंगे, फिर गुना गुना देना है, गुना दे दीजिए, फिर 12 घटाओ कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे, फिर गुना कितना करेंगे, 12 घटा 10, अब घटा देंगे। पहले ये तो आप जानते हैं, पहले ब्रैकेट का काम होता है, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, कितना हो जाएगा, रूट अंडर 12 में से 6 गया 6 गुना 12 में से 8 गया 4 गुना 12 में से 2 गया 2 कितना हो गया, बरछुक गुना 4, 8, 16, 17, 21, 28, 28 गुना अब 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दुनी 16, 8 दुनी 16, 17, 2 दुनी 4, 5, 576 576 रूट में 576 सॉरी 576 अब 576 का वर्ग 576 का वर्गमूल कितना होता है, 576 का वर्गमूल निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, 57 और 6 इधर से अब लगाएंगे, 2 दुनी 4 ये घट गया 1, 7, 6 अब यहाँ 2, 4 अब कितना बार में लग जाएगा, 4 बार में 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16, 16, 17 ये कट जाएगा 24 मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर। ये बन के रेडी, यहां तक बना दिए दोस्तों। अब इसमें कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछिए, और यहाँ तक बनने के बाद आप लोग खुद से 10 तक बनाइए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 लेके आएंगे। टाइप 2 में क्या करा, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आप निकालना। अब समबाहु
और ये बात समझिए, ये कौन सा त्रिभुज था? ये विषमबाहु त्रिभुज था, ये विषमबाहु त्रिभुज था। अगर हीरो हीरोन का सूत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा तो कहीं पे दिया होगा विषमबाहु त्रिभुज। और ये आपको अर्चना मैथ में यही दिया है कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात फार्मूला दिया एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या दिया है? विषमबाहु त्रिभुज लिख के फार्मूला दिया, जहाँ एस बराबर ए प्लस बी बटे दो, उसे अर्ध परिमाप कहते हैं। यहाँ तक आप लोग बना लीजिएगा, एक से लेके दस तक, दो बना दिए, एक से लेके दस तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।